इलाहाबाद हाइकोर्ट रो गुरुत्वपूर्ण मंतव्य यूनिफॉर्म सिविल कोड हेउची देशर आवश्यकता केंद्र सरकार नियंतु आवश्यक पदक्षेप इलाहाबाद हाइकोर्ट यूनिफॉर्म सिविल कोड को नहीं एक मंतव्य देवा परे ए प्रसंग पुणी थरे चर्चार केन्द्रबिंदु को आसी जाइछि। इलाहाबाद हाइकोर्ट रो एक बेंच मोदी सरकार को संविधान रो अनुच्छेद 44 अनुसार समान आचार संहिता यूनिफॉर्म सिविल कोड को संपूर्ण भारत में लागू करने पदक्षेप नेबाकु कहिछन्ति। मायरा ओरफ वैष्णवी विलास सिरसिकर और अन्य धर्म में बहुत सहित जड़ित 16 अन्य आवेदन उपरे सुनानी करी हाइकोर्ट एक मंतव्य देछन्ति। इलाहाबाद हाइकोर्ट रे जस्टिस सुनीत कुमार सरकार को यूनिफॉर्म सिविल कोड मामलें संविधान अनुच्छेद 44 को लागू करने को एक प्यानेल गठन करने को कहते भारत संपूर्ण क्षेत्र में नागरिक मानी गोटे समान नागरिक संहिता चेष्टा अनुच्छेद उल्लेख रही। इलाहाबाद हाइकोर्ट मंतव्य समान नागरिक संहिता लागू करने आईन दीर्घ दिन धरी अटकी रही स्वच्छिक बोली कहना कोर्ट कहते जे 75 वर्ष पूर्वे बाबा साहेब आंबेडकर कहते समान आचार संहिता को विशुद्ध रूपे स्वच्छिक करना ए मामलें अनावश्यक रिहाती कौन संप्रदाय बिलई बेकरे घंटी बांधार साहस करना देशर आवश्यकता जे से यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करने सरकार दायित्व और एथपाय सरकार निकट में लेजिस्लेटिव अधिकार रही। एठार उल्लेख चलित वर्ष जुलाई मास रे दिल्ली हाइकोर्ट यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करने सरकार को कहते दिल्ली हाइकोर्ट विचारपति जस्टिस प्रतिभा सिंह कहते यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करा द्वारा समाज में होता झगड़ा और विरोधाभास ह्रास पाइब जहां अलग अलग पर्सनाल लॉ कारण उत्पन्न होता है। 2019 मसीह सुप्रीम कोर्ट केंद्र सरकार को यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करने को कही सारी संविधान अनुच्छेद 44 देश में यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करिबारो अधिकार प्रदान करिथाय। यूनिफॉर्म सिविल कोड साधारण शब्द से एक प्रकार पंथ निरपेक्ष आईन कथा कही थाए जहां सब धर्म पर समान रूप से लागू हो आईन अस्तित्व में आसवा पर समस्त धर्म पर गोटे आईन लागू हो। डॉक्टर समन्वय नंदन रिपोर्ट सह ब्यूरो इनपुट अर्गस न्यूज।